अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर पेज वाइज लर्नर्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स हमारे पास क्या होते हैं? कोई भी हमारे पास नंबर हो, बेस जिसको हम कहते हैं बेस, उसकी अगर हमारे पास पावर लगी हो तो उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट्स। ये जो पावर है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट्स। ठीक है, एक्सपोनेंट्स को हम लोग साइंटिफिक नोटेशंस भी कहते हैं। एक्सपोनेंट्स बेसिकली हमारे पास एक ऐसा नंबर होता है जो किसी भी बेस के ऊपर होता है और वो हमें शो करता है कि ये बेस जो है ये हमारे पास कितने टाइम मल्टीप्लाई हुए हैं। एक्सपोनेंट्स का पर्पज ये होता है कि आपके लिए एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन बहुत बड़े नंबर्स की या बहुत छोटे नंबर्स की बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, इफ हम देखते हैं सन का वेट, हमारे पास सन का वेट होता है 1.66 × 10^30। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास आफ्टर 166 वी हैव 30 जीरोस। इस तरह के बड़े नंबर को एड अप करना, मल्टीप्लाई करना एंड सो ऑन, ये 30 जीरोस हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, सब्ट्रैक्ट करना, कुछ भी करना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसको हम लिखते हैं एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में। और हम लोगों को एक्सपोनेंट्स की एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन वगैरह एक्सेट्रा बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाते हैं, हमारे पास एक नंबर है 10, ये नंबर है हमारे पास बेस। ठीक है, और ये जो नंबर है 3, ये है हमारे पास इसका एक्सपोनेंट। इसको आप पढ़ते ही कैसे हैं? हम पढ़ते हैं 10^3। और ये नंबर एक्चुअली होता क्या है? ये नंबर होता है 10 मल्टीप्लाइड अपने जो नंबर है, जिसकी पावर है हमारे पास, वो नंबर अपने ही आप से मल्टीप्लाई होता है। और ये जो पावर है ये हमें शो करती है कितनी दफा मल्टीप्लाई हुआ है। जैसे इस साइड में हमारे पास 10 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पर देखिए हमारे पास बेस है 5, 5 इज रेज टू द पावर 4। दिस मीन्स 5 इज बीइंग मल्टीप्लाइड टू 5 4 टाइम्स, दैट विल गिव अस 625। द मोस्ट सिंपल एक्सरसाइज, इसकी थोड़ी सी मैं आपको एग्जांपल्स कराती हूँ, देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन। कुछ प्रोडक्ट मैं आपको लॉज बता रही हूँ अबाउट द एक्सपोनेंट्स। ये वाली आप वीडियो, छोटी सी वीडियो है, ये आप देखिए ताकि आगे जब हम लोग चैप्टर करें तो हमारे पास बेसिक जो रूल्स हैं वो हमें पता हूँ। यहाँ पर हमारे पास अगर एक्सपोनेंट्स हैं तो एक्सपोनेंट्स को हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? दो नंबर्स हैं विद एक्सपोनेंट्स, इन दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? पहली चीज कि अगर हमारे पास इनके बेसिस सेम है, जैसे यहाँ पर हमारे पास बेस है 10, दोनों बेसिस सेम है, तब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए, हम अगर दो नंबर्स हैं विद सेम बेसिस, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दैट नंबर। अगर हमारे पास दो बेसिस जो है, जो सेम है, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, तो हम लोग उनकी जो पावर्स होती हैं उनको आपस में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। अगर हमारे पास दो बेसिस का प्रोडक्ट बन रहा है तो उनकी पावर्स को हम आपस में ऐड अप कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, हमारे पास हमने 10 कॉमन लिया और दो 10 की जगह हमने एक 10 कॉमन लिया और 3 में हमने 4 ऐड किया, हमारे पास आ गया 7। यानी अगर हम 10^3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10^4 तो हमारे पास आ जाएंगे 10^7। क्लियर? इसी तरह से हमारे पास है लॉ ऑफ क्वोशेंट ऑफ पावर्स। व्हाट इफ द पावर्स आर बीइंग डिवाइडेड? दो नंबर्स हैं विद डिफरेंट पावर्स बट सेम बेसिस, वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई इट। एंड हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट? हम लोग क्या करेंगे, हम अगेन इन टू टेंस की जगह हम एक कॉमन 10 लिखेंगे। ठीक है, और ये नीचे वाली जो पावर है ये हमारे पास ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास +3 था, ऊपर जाएगा हमारे पास हो जाएगा -3। एक हमने 10 कॉमन लिया, 5 - 3 दैट गेव अस 10^2। क्लियर? अगर हमारे पास दो पावर वाली बेसिस, सेम बेसिस डिवाइड हो रही होती हैं तो उनकी पावर को हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल ऑपोजिट होता है मल्टीप्लीकेशन, जैसे हमने पढ़ा उसका ऑपोजिट होता है डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन में हमने पावर्स को ऐड किया था और डिवीजन में हमने पावर्स को सब्ट्रैक्ट किया। अगर हमारे पास एट ए टाइम, अगर हमारे पास एट ए टाइम दो पावर्स हों, ठीक है, यहाँ पर देखिए
10 3 raised to the power 4 raised to the power 5, यहाँ पर हमारे पास दो powers आ रही हैं। इसका हमारे पास मतलब क्या होता है कि 3 जो है वो पहले 4 times multiply हुआ है 3 से, ठीक है? ये देखें, ये इसका ये मतलब है कि bracket में ये किसा हुआ, उसके बाद ये further जो number आया वो 5 times multiply हुआ। इस लंबे process को ignore करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास दो powers होती हैं तो हम उन दो powers को आपस में multiply कर लेते हैं। These two powers are multiplied by each other. That will give us a new power for this base. इस base के अब हमारे पास नई power आ गई, that is 20. Got it? अगर हमारे पास किसी भी base की दो powers होती हैं, double powers होती हैं, तो हम उन दो powers को आपस में multiply कर लेते हैं. और हमारे पास हमारा answer आ जाता है. यहाँ पर हमारे पास 5 4 multiplied by 5 gave us 20. Moving to our next slide. अगर हमारे पास एक product है, ठीक है? अभी तक हम numbers पढ़ रहे थे कि अगर हमारे पास एक number है, उसको हमने raise किया हुआ है किसी power से, तब हमारे पास क्या case होगा? अगर हमारे पास एक product है पूरा a into b, यहाँ पे एक product है, दो numbers, दो figures आपस में multiply हो रहे हैं, एक product बन गया। Product की अगर एक power है, उस case में हम क्या करेंगे? कि हम simply, जैसे हम इस केस में कर रहे थे, हम 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे थे, यही कर रहे थे ना। यहाँ पर अगर हमारे पास प्रोडक्ट है तो हम सिमिलरली हम प्रोडक्ट को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे विद द प्रोडक्ट, आपस में हम इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आ गया a 5 इंटू ए रेस टू द पावर 5 इंटू बी रेस टू द पावर 5। गॉट इट? जैसे हमारे पास नंबर का केस था उसी तरह से हमारे पास प्रोडक्ट का भी केस है और इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ पावर्स ऑफ प्रोडक्ट।